आज हमारे बीच शहर के जाने माने अधिवक्ता श्री अजिंक्य डगांव पर उपस्थित हैं। इन्होंने हाल ही में WHO के COVID-19 से संबंधित कोर्सेज संपादित किए हैं। अजिंक्य जी से मैं यह जानना चाहूंगी कि आप इंदौर शहर और मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे। नमस्कार, मुझे सुझाव संबंधी आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। शासन प्रशासन द्वारा इस अनलॉक की प्रक्रिया में जो समय समय पर आदेश पारित किए जा रहे हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ तथा एक शहर के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने कुछ सुझाव सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेफ्ट राइट टर्न संबंधी जो प्रशासन द्वारा आदेश पारित किया गया है उस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे संशोधित किया जाए और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लेफ्ट राइट दोनों तरफ चलाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार व्यवसाय को चलाने की अनुमति प्रदाय करनी चाहिए, जिससे कि दुकानों पर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भीड़ नहीं बढ़ेगी और हम इस संक्रमण को बढ़ने से रोकने में अपना योगदान प्रदान कर पाएंगे, आर्थिक स्थिति को सुधार कर पाएंगे। उसी तरह सब्जी मंडियों को जो बंद करने का निर्णय लिया गया है उस निर्णय पर भी संशोधित आदेश पारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें सभी व्यावसायिक स्थलों को तथा मंडियों को चालू रखना आज की परिस्थिति में आवश्यक है। 50% जो निजी प्रतिष्ठानों में जाने की अनुमति प्रदाय की गई है उसे भी 100% सुनिश्चित करने संबंधी संशोधित आदेश प्रशासन द्वारा विचार किया जाना चाहिए, पारित किया जाना चाहिए। आवश्यकता संक्रमण को कम करने की यह है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज्यादा से ज्यादा हो, प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज्यादा से ज्यादा होगी तो मरीजों को, COVID-19 के मरीजों को सुनिश्चित किया जा सकता है। जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से इस शहर की आबादी में जब मरीजों को सुनिश्चित किया जाएगा कि इन्हें टेस्ट करने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का, नागरिकों का टेस्ट करवाया जावे और जो टेस्ट की जा रही है उसकी वैधता और उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो प्रामाणिक रूप से किया जावे, यह भी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जब जिन मरीजों को सिम्टम्स पाए जाते हैं और जिन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण चिन्हित किया जा रहा है या किया जाएगा, वहाँ लॉकडाउन की उन क्षेत्रों में आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए आवश्यकता है। लॉकडाउन उन क्षेत्रों में करने का प्रशासन शासन
द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। और जो लोग उन क्षेत्रों के लॉकडाउन में चले जाएंगे उन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त हो सके, होम आइसोलेशन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, इसी चीज को अपनाते हुए हम आगे अगर बढ़ेंगे तो संक्रमण को कम कर सकते हैं। जनता को यह भी जानने का अधिकार है कि किन किन क्षेत्रों में कहां कहां, किन किन गलियों में, किन किन पतों पर संक्रमण फैला हुआ है। यह शासन प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रेषित करनी चाहिए, जिससे जनता को यह मालूम हो कि उन्हें किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना है। इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए और ऐसे निर्णय शहर हित में लिए जाए तो हम प्रदेश में जो हजारों की संख्या में संक्रमण बढ़ रहा है और शहर में जो 3 आंकड़ों में संक्रमण बढ़ रहा है उसे हम 0 की तरफ ले जा सकते हैं और हम इस संक्रमण को 0 तक सभी के सहयोग से, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, प्रशासन है, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सभी के, नागरिकों के सभी के सहयोग से हम इस संक्रमण से बचने के लिए जो उपाय अपना रहे हैं उनमें और तेजी लाकर और हम किसी भी तरह का जो है लूप होल इस वायरस को फैलने के लिए नहीं प्रदाय करें और यह सुनिश्चित करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सही तरीके से मास्क पहन रहे हैं, सही तरीके से मास्क उतार रहे हैं, सही तरीके से जो घर पर सामान ला रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं, फल फ्रूट ला रहे हैं, उनको हम घर के बाहर सैनिटाइज कर रहे हैं, जब हम घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो WHO की डायरेक्शंस का, प्रशासन के आदेशों का, डायरेक्शंस का हम सही रूप से पालन कर रहे हैं तो हम इस संक्रमण से शहर को निजात दिला सकेंगे और हमारे बच्चे भी, शहर के बच्चे भी फिर से, कॉलेजों के विद्यार्थी भी फिर से अपने संस्थानों में, विद्यालयों में जा पाएंगे और शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और देश के, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान प्रदाय कर पाएंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे। मैं इसी के साथ आपका, मेरे जो सुझाव आमंत्रित किए गए हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।